उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के जतन किए हों, लेकिन सूबे के मुखिया की सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हरदोई में हुए घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि हरदोई में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही किसी घटना को हो जाने के बाद पुलिस उनकी सुनती है। दरअसल हरदोई के एक इलाके में बच्चों के बीच कहने को तो मामूली विवाद हो गया, लेकिन मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। इस बीच बीच बचाव करने आए एक बुजुर्ग को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उनकी भी जमकर पिटाई कर डाली। फिलहाल गंभीर हालत में महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाना सुरसा में लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एक मर्तबा भी आरोपियों से सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, इस बात की इत्तला जरूर दबंगों को दी कि उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। फिर क्या था, दबंग एक बार फिर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घर से बाहर निकलने पर जान से मार देने की धमकी दे डाली। घायल पीड़ित परिवार डर से सहमा हुआ घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है कि पुलिस ने ना तो अब तक कोई मामला दर्ज किया और ना ही पीड़ित परिवार की सुध ली है। यहाँ पे 3 पेशेंट आए हुए हैं, उनको कुछ चोटें आई हुई और उनका इलाज किया जा रहा है भर्ती करके। क्या लगता है किस चीज़ से इन पर प्रहार किया गया होगा? अब ये तो जो कंप्लेन के अनुसार बता रहे हैं कि मारपीट हुई है, चोट लगी है, ये तो बाद में पता चलेगा। कैसी स्थिति है, क्या इलाज किया? अभी तो स्टेबल है पेशेंट, भर्ती करके इलाज कर रहे हैं। नसबुद्धि आए हमारे घरे भाई सिंह भोई लकड़ा हुआ ताल पर है, तो नसबुद्धि आए घरे कहने से आखिर यहाँ बाहर निकलो, तो अब्बा निकले हमारे बाहर, तो डायरेक्ट कहने के बताया तुम्हें कहाँ से रे मरीबो शुरू करें, तो मरीबे के लिए कहने के हमारे धन तुम्हें, तो कहने कहा मेरे पहले बात तो बताओ, उनके छोटे वाले जो भाई खड़े हैं वो बिंदी पर, उन पर बिंदी पर में यहाँ हमारी बहनी बाहर निकली, बहनी पर यहाँ शमसुद्दीन बिंदी पर है, की बात में साबुद्दीन निकले, साबुद्दीन हमारी मातारी बिंदी पर जाए, उनके पाँव में चोट लग गए, पाँव सूजिया हो टूटो हो चाहे कुछ हो रही को है, अब मारो है घर में घुस मैं महरूप मारूँ, बहनी को मारूँ, बाप को मारूँ, अब वहाँ थाने के रिपोर्ट करें तो थाने में कोई सुनवाई नहीं, जितनी लिख लिखाई के दे जाते वहाँ जाकर अप्लीकेशन भाव भैया फारपुर उनने पैसा बदते 50,000 रुपये कहीं का जादू कुछ भाई थोड़ो मारो है घर से बाहर निकले इतने ज़्यादा उम्र को तुम्हें क्यों कह के पटो है कहने दिन भर आज पूरे दिन ही को भैया घर से बाहर नहीं निकले, अब पुलिस एक और दाएँ झाँक कर नहीं आई बात फिर हमको मैम 2-3 दाएँ उनके तो कहने लगे जब लफड़ा हो तो फोन करना हमारे पास एक और दाएँ भैया हमने 50 दाएँ फोन करो है एक और दाएँ नहीं देखना है बहू। अच्छा किस चीज़ से मारा है आपके घर? लाठी डंडा तेरे भैया बहुत मारो है इनका लातन भूषण